हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति राजपूत ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस अब हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, कुछ साड़ियाँ लेनी थी तो, और भी कुछ छोटा मोटा सामान लेना था। तो बस हम निकल रहे हैं और साथ में मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर है, हम तीनों लोग ही जा रहे हैं मार्केट में। और अभी तो फ़िलहाल माइंड में ये है कि साड़ी लेनी है, थोड़ा बहुत सामान लेना है, और वो तो बस मार्केट में जाके पता चल जाता है, क्योंकि बस ये हो जाता है कि हाँ ये भी ले लो वो भी ले लो, तो बस ये चल रहा होता है। डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या लेना है, क्या साड़ी लेनी है, तो बस ये चल रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत भयंकर गर्मी थी, पर ये था कि सामान लेना था तो जाना ही था, तो बस इसलिए चल दिए हैं। और हम ज़्यादा लेट नहीं है, सुबह में निकले हैं, आई थिंक 9 या 9:30 का करीब है, तो देख लूँ भी फिर भी इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो बस अब ऑटो लिया है तो अब चलते हैं मार्केट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरी वीडियो पर। हमने काफ़ी सारी साड़ी सेलेक्ट कर ली जो कि आपने देखा था, और अभी भी मम्मी को मतलब मम्मी का मन कर रहा है ये ले लो वो ले लो, तो थोड़ी सी रह गई है तो मम्मी ट्राई करके देख रही है। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ साड़ियाँ पसंद नहीं आती ज़्यादा करके, मेरे लिए मेरी मम्मी और मेरी जो बड़ी बहन है वही पसंद करती है, तो मुझे तो मतलब पसंद आती है, जो मुझे पसंद आती है वो उन लोगों को पसंद नहीं आती है, फंडा ये है। और जो मतलब इनको पसंद आती है वो मैं पहन लेती हूँ, अच्छी लगती है मुझे काफ़ी। और मुझे यहाँ नींद आ रही है बैठे बैठे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये लोग सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे साड़ी, तो बस इसलिए मैं बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। बस इनका साड़ी सिलेक्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है और मेरा बोर होने का कार्यक्रम चल रहा है, तो बस देखते हैं कितना टाइम लगता है और इनको साड़ी सिलेक्ट करने में। तब तो और काफ़ी भूख भी लग चुकी थी क्योंकि सुबह से खाली पेट आए थे, मतलब खाली पेट नहीं थे, हल्का फुल्का नाश्ता करके आए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो बस अब भूख लगी थी। बस ये था कि हाँ जल्दी से ये लोग साड़ी सिलेक्ट करें और हम निकले यहाँ से, तो कुछ खाएं जो पेट में चूहे कूद रहे हैं उन चूहों को शांत करें, बस यही था मैन मुद्दा मेरा। तो मुझे तो मैं तो जो मार्केट में जाती हूँ तो बस सिर्फ खाने पीने के लिए ही जाती हूँ, शॉपिंग मेरा जो कम मन लगता है शॉपिंग वगैरह में, साड़ी वगैरह में, तो बस मेरा ये मन रहता है हाँ घूम लो और खाना जो भी खाना है खाने के लिए मिलता है वो खा लो पी लो, बस ये है।
फाइनली हो गई इनकी साड़ियाँ सिलेक्ट और मुझे नंबर आ गया खाने का। तो मैं खा रही हूँ मक्का, जो कि भिवानी में चौक पे बहुत ज़्यादा मशहूर है ये मक्का। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा रिकॉर्ड करने में, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और इसके बाद गर्मी लग रही थी, तो गर्म गर्म मक्का खा ली, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने आइसक्रीम खाने का सोच लिया और सबके लिए आइसक्रीम ले आई। तो बस आइसक्रीम खा रहे हैं और आइसक्रीम खाते खाते घर के लिए निकल चुके हैं। ऑटो ले लिया हमने और अब घर के लिए जा निकलेंगे। काफ़ी लेट हो गया था और काफ़ी गर्मी थी इसलिए, तो बस अब साड़ी भी हमने ले लिया और जो खाना पीना था वो भी खा लिया है। बस अब निकलेंगे घर के लिए, घर पे जाके रेस्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, कौन सी साड़ी अच्छी लगी तो वो भी बताना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर अगली एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बाय।